हेलो एवरीवन। तो ऐसा व्लॉग बना रहे थे आज, पता क्या, आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज इस टाइम 12:39 हो चुके हैं, 28 अगस्त है। आज इतना बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज मेरी मम्मी को लड़का हुआ था। तो अब बंदे बोलते हैं डेली व्लॉगिंग, क्या डेली व्लॉगिंग करनी भाई। पर आज अच्छा मतलब बना देते हैं, अब खाना सेट हो देते हैं थोड़ा बहुत। तो अगर सही बना डाल दूंगा, नहीं बना तो मैं क्या पता चलेगा। यहाँ पे रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो ज़ोर से भी बोल सकता हूँ, नहीं तो ठंड मतलब मार बस सकती है। अब मुझे अकेला समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या बात करूँ। तो मैं थोड़ा कल सुबह स्टार्ट करूँगा, जब मतलब नहाना नहीं दिखाऊंगा, नहाने के बाद से स्टार्ट करूँगा। क्या देखना नहाते हुए, मुझे डर भी लग रहा है अकेले। मैं जा रहा हूँ, मेरा नाक हुआ बंद, टिक्की खाऊंगा एक, बस आ गई बिस्तरे में, सुबह तक होश ही नहीं। तो अभी 9 तो बज चुके हैं, मैंने लालो कहा था कि 9 बज जाएंगे। तो फिलहाल अब जाते हैं मंदिर, मंदिर जाते हैं, सेट होते हैं, बाल सेट कर दिए मैंने, पर बालों की ज़रूरत है इस टाइम। हम टोपी लगा जाते हैं हमेशा, या तो ये लगाते हैं ना, साइकिल चेक करते हैं ज़रा, ये फिर भी सेट। आह ये ठीक लग रही भाई, तो ये वही लगा के जाएंगे अभी। तो तैयार भी हो चुका, उठा भी लेट था 8 बजे, ढिल्ला आदमी भाई क्या करूँ। तो अब यहाँ से जाते हैं मंदिर, पहले घर से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे कहीं ना कहीं, जो रास्ते में आएगा चले जाएंगे। जब तक पैसे खत्म नहीं हो गए तब तक मंदिर ही घूमते रहेंगे। तो अभी घर पे ही हैं, यहाँ पे पूजा कर लिए, अब बाकी मंदिर जाएंगे हम, जो जो यहाँ पे आगे पीछे मिलेंगे, जो पास पास होंगे। ये धागा जो पड़े उठा लेता हूँ, काम आएगा बाद में, है ना। धागा ले लिया, इसको डालूंगा टोपी के अंदर, फिर मस्त घूम के आएगा मेरे साथ मंदिरों में। बाद में कहीं ना कहीं लगा ही लूँगा, ये डाल दिया टोपी के अंदर, सेट हो गया। अब हेलमेट उठाते हैं, जाते हैं, पैदल कौन जाएगा इतनी दूर। ये वाला कुल देवी का मंदिर है हमारा, यहाँ कुल देवी के मंदिर होके जाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, थोड़ा ठीक है मम्मा, ओके बाय। जल्दी स्कूटी जा रखते हैं, बाहर रखी है मैंने, जहाँ लग गया बाजार में काफ़ी ऐसी, और रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा हमें। अंकल जी चले, जाम लग गया भाई इधर, सुबह सुबह खाप बस कोई ना इधर, खाप जाम की बड़ा भारी जाम है, जो फिर खाप से जाम फंस गया भाई इधर। तो सबसे पहले हम आए यहाँ पे गुफ्तगा मंदिर, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे अंत है। ये देखो नीचे, मतलब अभी तो नहीं है पर अभी बहुत टाइम है, 50-60 साल 70-80 साल आए अभी, तो इधर ही है, तो शुरू भी यहीं से करेंगे हम। तो यहाँ पे देखते पानी चढ़ा हुआ, काफ़ी बारिश हुई है 3-4 दिन लगातार, रात को बरसात अभी आई है यहाँ पे, 1 महीना लेट हो चुकी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा का रश था ना इस टाइम पर, काफ़ी इसको आने नहीं दिया यहाँ तक। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, काफ़ी बाइक्स लगी हैं, बाइक करस आए हुए हैं आज, पता नहीं भाई, मैं तो स्कूटी पर आया हूँ। चल भाई साइड जाए स्कूटी, ये देखते रश में आज, और ये देखते सामने पहाड़ों पर काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पे। इसे फ़िलहाल पानी भर लेते हैं चढ़ाने के लिए, ऊपर यहाँ पर बगुली बनी हुई है, एक वो ना गिरे मेरे बस। नमः शिवाय, यहाँ पे भीम का पाऊंगा गया ये वाला, तो यहाँ पे घुसूंगा, ये निकलती है जो बाहर जाते हैं। श्री देव भाई नम, यहाँ पे ऊपर बाबा जी ऊपर छाले जाएंगे हम। तो यहाँ पे पानी आज काफ़ी चढ़ चुका है बरसात के बाद, तो बाहर के लोग आए काफ़ी खुश हैं यहाँ पे। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पे देखते हैं, किसी जय श्री राम। तो यहाँ पे इसते हनुमान मंदिर बनाया हुआ, काफ़ी पुराना ही है, यहाँ से इसते हैं पूरा मंदिर दिखता हुआ यहाँ से खिड़की में से। ये वाला मंदिर पे हनुमान जी के ऊपर ये मैंने बंद ही देखा है हमेशा, तो मैं कभी अंदर गया तो हूँ नहीं इसके, देखते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे मैं बाबा जी को दूध पहुँचाया, वापस उनका दूध आया था बाज़ार में, यहाँ से फिर चलते हैं स्टार्ट करते हैं स्कूटी अपनी। अगर पता नहीं साफ है कि नहीं, पर मेन चीज़ तो मैं ही हूँ भाई, कैमरा क्या करना है, फ्रंट कैमरा खोल, तो ये तो बहुत अजीब बात है, बैक ही ठीक है। अभी यहाँ सेकेंड मंदिर जो गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे, अपोजिट भारतीय विद्या मंदिर,
अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं वैष्णो मंदिर नाटी के नीचे। हाँ यहाँ पे अंदर जाएंगे अभी हम यहाँ से। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे चंडी माता मंदिर चिनौत में, तो इसके बाद फिर घर ही जाएंगे, रोटी खाएंगे, भूख लगी यार, फिर देखते क्या बनता है आगे। तो फिलहाल यहाँ मंदिर जाते हैं, यहाँ से घर जाएंगे, डायरेक्ट रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे आजकल मचेल से रश आता है काफ़ी, मतलब जो मचेल आता है तो फिर वो यहाँ भद्रवाह ज़रूर आता है। भाई मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है, यहाँ पे स्वेटर लगाने वाला हुआ है पर बेइज्जती जगह मेरी स्वेटर लगाई, तो इसलिए दो चार दिन रुक जाता हूँ। कैलाश यात्रा वापस आएगी तो बहाना तो होगा ना फिर कि यात्रा के बाद ठंड हो गई है जी। मंदिर के अंदर देते नहीं मैं वीडियो बनाने, तो मैं बाहर से जूम करके दिखा लूँगा। यहाँ पे चिकोट लगा हुआ है, यहाँ पे जो लोग आए हैं बाहर से यात्रा करके जब पाठर से उन्हें ढोस जाए यहाँ पे नाच रहे पीछे उठाते हैं वो। गाठा मंदिर फिर केक ही लेते हैं वहाँ से, लेक पहुँच चुके हैं अंदर जाएंगे। ऑन डे फोटो ले लिया जेनी से डायरेक्ट घर जाएंगे। सारे मंदिर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अब देखेंगे रास्ते मिल गया, अगर ब्रेक लग गई तो देखें। ये पूरा सामंदर मन ये है ना, सही दानिश ठीक है, सही है। तो अभी हमें केक लेना है यहाँ से, उसके लिए हमें बंदा लाना है उठा के, यहाँ से बंदा लिएंगे साथ में केक पकड़ के पीछे बैठ के। हमारा मजदूर आ गया भाई, इसे केक उठाएगा पीछे, ज़रा उसे फिट नहीं आ रहा था आगे, बैठ गया भाई पीछे। थैंक यू भाई तुम्हें, ये सही चीज़ है केक काटने के लिए भाई, इससे काटेंगे बराबर पीस मिलेंगे सबको। नहीं तो उसे बहुत अच्छा केक बनाया देखा, थैंक यू। हाँ सर जी, थैंक यू। हाँ इसे बोलो बन जा बोलेंगे। हाँ कुमार है ना ठीक हो भैया, बस ठीक ठाक सोयो। कैसा लग रहा केक? बहुत अच्छा है। तूने खाया तो है जूठी, देख के बोरी है। तो देख के तो अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तुम नाचती है सर? क्या आंटी को नाल बस खा रहे तू खा रहे ओ मेरे तुझे लग रहा है इसने बड़े तू खराब दे जो रहे की जी बा हाय दादी हेलो करो दादी क्या हेलो बाय बाय। आप जानते होंगे दादा को मेरे, इनका नाम था वेद रतन मेहता मशीन वाले, और ये मेरी दादी है, दादी का नाम है खेमा मेहता। नहीं है भाई ये कौन आया कुंभ कारण जैसा ये देख, ये नहीं काले कपड़े लगाया तूने आज, मेरी मर्जी। तू तो आज कुंभ कारण लग रही है। हाँ आप तो रोज लगते हो ना, मैं आज लग रही थी। गिफ्ट दे दोगे बाद में? गिफ्ट देगी बाद में? गिफ्ट देगी? गिफ्ट तू भी देगी ना गिफ्ट? इसने पीछे से खा पी के गिफ्ट दिया, ये वही है लड़की। कब देगी गिफ्ट? मैं आज दूंगी, देखो पिछली बार का 10 रुपए का इंटरेस्ट पड़ा है, तो अभी के लिए जो भी गिफ्ट होगा उसमें 10 रुपए का नोट। ओके टोटल होगा 1500 इंटरेस्ट मिला के ना? नहीं 10 रुपए मतलब टोटल 10 रुपए। तो इंटरेस्ट भी लगाया तूने? नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया, 10 रुपए पिछले साल का, इस साल के 10 रुपए, 20 रुपए। इसको विश किन किया? दोबारा कर। हैप्पी बर्थडे डांस भैया। कर जल्दी। हैप्पी बर्थडे डांस भैया। तू भी कर ना। हैप्पी बर्थडे डांस भैया। मेरी मैं तैयार होकर आती हूँ थोड़ा, फिर विश करूँगी। मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। हैप्पी बर्थडे डांस भैया, मे गॉड ब्लेस मी। तो गाइस ये स्विच नंबर आता है? नहीं है। तेरा नाम? यस से खुश रहो, मतलब पूरा दिन को लेकर आपके।
पर बर्थडे तो मेरा है। दोनों सेम सीम। नहीं मेरा नहीं है। तो गाइस अभी हम केक कट करेंगे। बिल्कुल सबसे पहले अपने एक हाथ इसमें रखना है, एक बड़ी गिलास लेनी है, पूरा पिघलाना है। मैं एक से मिलाता हूँ। ये देखो, गैस करो कौन है ये। आवाज क्यों बंद करनी, मेरी मम्मी है ये, आप क्यों आवाज बंद करनी। हो गया हो गया। बोलो Happy birthday Danish Bhaiya, ऊपर से क्रीम उठा ले। मम्मी भी मेरी सब दिखा ना भाई, कौन कौन आया मेरे बर्थडे में। साल में गिफ्ट नहीं दिया किसी ने, तो फिर एक कविश भी आया, चाची भी आई, चाची भी आया, सारी वाली साइड भी है। सुन दी आपकी राइट साइड, सुन दी राइट साइड। खुद को बुला कर क्या आ करो चाचा। गिनी कैसे केक था? बहुत अच्छा था। किन स्टार आउट ऑफ फोर? आउट ऑफ 4.1। और खा ले। सही है, काफी मजा है। अच्छा केक है। शब्द ही नहीं बचे हैं। ओए, तू कर क्या रहा था तब से, घंटे से एक बार शिकारी कहेंगे। तो इसी के साथ व्लॉग यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको व्लॉग अच्छा नहीं लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट के साथ सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।